सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 मार्च को इंडिया में रियलमी की सबसे बड़ी लॉन्च इवेंट है, जहां पे वो स्मार्टफोन्स के साथ साथ अपने स्मार्ट बैंड को भी लॉन्च करने वाले हैं। और रिसेंटली रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये स्मार्ट बैंड हार्ट रेट सेंसर के साथ आने वाला सबसे अफोर्डेबल स्मार्ट बैंड होने वाला है इंडिया के अंदर। तो जाहिर सी बात है, इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कंपिटेटिव रहने वाली है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट ये काफ़ी अफोर्डेबल स्मार्ट बैंड होने वाला है, साथ ही जो इसके स्पेक्स है वो भी काफ़ी कमाल के आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो realme.com पर लिस्ट हो चुके हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितनी प्राइस पे स्मार्ट बैंड हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसकी प्राइस है वो भी लीक होकर सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो इसमें आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि एक कलर डिस्प्ले होगी और काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल के साथ में आने वाली है। उसी के साथ जो सेंसर्स है वो भी काफ़ी अच्छे इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। हार्ट रेट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है। उसी के साथ 9 स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि योगा मोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, साथ ही रनिंग मोड देखने को मिलने वाला है, वॉकिंग मोड और फिटनेस मोड, ये सब मोड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे यूनिक फीचर और कमाल का फीचर मुझे इसका ये लगा है कि इसमें आपको क्रिकेट मोड भी देखने को मिलने वाला है, जो कि इंडिया के ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है इसका। और अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी स्मार्ट बैंड में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो काफ़ी अच्छा ये फीचर होने वाला है। आप जब भी क्रिकेट वगैरह प्ले करेंगे तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को जो है इसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। साथ ही अगर हम बात करें, इसके अंदर आपको स्लिप ट्रैकर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। उसी के साथ अगर हम बात करें इसकी चार्जिंग पोर्ट्स की, तो इसका जो चार्जिंग है यहाँ पे आपको USB डायरेक्ट चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए कोई भी आपको यहाँ पे केबल वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने चार्जर से इसको प्लग इन करना है और आप जो है इजीली इसको चार्ज कर पाएंगे। उसी के साथ अगर हम बात करें इसके कुछ और ट्रैकर्स के बारे में, तो इसमें आपको नोटिफिकेशन ट्रैकर देखने को मिलेगा, साथ ही आप जो है नोटिफिकेशन ट्रैकर के जरिए व्हाट्सएप वगैरह आप जो है इसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं, अपनी कॉल्स वगैरह को भी ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि कॉल्स पिकअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स को जो है हैंगअप कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे मैसेज वगैरह भी आप जो है इसके अंदर देख सकते हैं। साथ ही इसको जो है यहाँ पे IP68 वाटर रेजिस्टेंट ये होने वाला है, यानी कि 50 ATM वाटर रेजिस्टेंट होगा, तो आपको जो है पानी के अंदर भी आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इश्यू आपको नहीं आने वाली है। तो काफ़ी अच्छा ये बैंड होने वाला है। साथ ही आपको 3 कलर्स में आपको देखने को मिलने वाला है, येलो, ब्लैक और एक और कलर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात होने वाली है, काफ़ी अच्छा स्मार्ट बैंड ये होने वाला है। अगर हम बात करें स्मार्ट बैंड की प्राइस के बारे में, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक बहुत ही अफोर्डेबल स्मार्ट बैंड होने वाला है। और रियल मी इंडिया के CEO माधव सेठ ने भी अपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि हार्ट रेट सेंसर के साथ आने वाला सबसे अफोर्डेबल स्मार्ट बैंड ये होने वाला है उनका इंडिया के अंदर। यानी कि जो भी स्मार्ट बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मी बैंड 4 है या फिर ऑनर बैंड 5 है, उनसे काफ़ी कम प्राइस पे हमें देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस रह सकती है वो 1799 इंडिया में रह सकती है या फिर 1899 रह सकती है। आपको क्या लगता है कितनी प्राइस इसकी इंडिया में रहनी चाहिए या फिर रहेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय गाइज़।